3 साल का, एक 5.5-6 साल का है। 5.5 साल वाला भतीजा है, उसको मैं मिलने के लिए अभी उसके घर पे गया। मैंने बोला मैंने बेटा चाचा का नया वीडियो आया देखा यूट्यूब पे, कैसा लगा? बोलो भाई यार मैंने मेरे भाई और भाभी की ओर देखा, दोनों बोल रहे हैं कि बच्चा है मेरे, सच बोल जाता है। दादा दादी कहते हैं चाचा पे क्या है, बोला क्या कह रहे बोला। क्योंकि क्या होता है, इंसल्ट और सच्चाई में जो पतली सी भेद रेखा होती है वो बच्चों को नहीं पता होती है, वो बोल जाता है, वो मीन हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि वो हमसे मीन हो सकता है, हम उससे मीन नहीं हो सकते। उसने बोल दिया भैया, अब मैं भैया भाभी सामने देख रहा हूँ, वो भी उसको काउंटर दे रहे हैं, मतलब मेरे सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी यही करूंगा। एक दिन मेरे पास आया छोटा सा पेंटिंग लेके, कैसा है? मैंने कहा भैया घर के चार लोग चप्पल ताड़ के खड़े थे, क्या बोला छोटा है तुझसे? तो मतलब ये कई बार बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि आप छोटे हो। छोटा होना इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज। जब तक मेरे भतीजे घर में नहीं आए थे, आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली। फिर वो आ गए, अब मैं बुजुर्गों में गिना जाता हूँ। बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब यू ना नए साल पे कोई आपको आके पैर छूता है, बोल के क्या बात कर रहे हो यार, कुर्सी मंगवाओ अपन बड़े हो गए। तब पापा बोलते कुछ दो बच्चों को, मैं क्या बात कर रहे हो। कुर्सी कैंसर नहीं होना है, बड़ा ही नहीं होना है। पर बच्चे हैं उसको कुछ बोल नहीं सकते, हालांकि वो सब कुछ बोल जाते हैं, पर हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। मेरी बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको झगड़ा करने की इच्छा हो, कई बार होता है ना कि हमारी गुस्से में आ जाते हैं, किसी से झगड़ा करना चाहते हो और जो सामने पहला बंदा मिलता है झगड़ मरते हैं हम लोग, ऐसी अगर आपसे किसी को अगर इच्छा हो तो आप क्या करो, किसी से भी झगड़ा मोड़ लो, आई डोंट माइंड। लेकिन आपसे छोटी एज वाले लोगों से झगड़ा मत मोड़ लो। इफ यू वांट टू फाइट यू शुड फाइट विद समवन हु इज एल्डर देन यू। जैसे आप किसी बड़े से झगड़ा कर लो, चाचा से मामा से, आपने बोल दिया जाता राजा मामा 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 बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चाचा मामा पापा जो भी है झापड़ लगाएगा, बात खत्म, बात वहां पर खत्म। अगर आपने अपने से छोटे से झगड़ा मोड़ लिया, जैसे कि मेरा भतीजा, तो अपने छोटे से अपने झगड़ा मोड़ लिया, उसको बोल दिया चलो झगड़ा, वो निकल जाएगा, पर बात वहां पर खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं होती, बात वहां पर खत्म नहीं होती। छोटे बच्चे उस बात को हमेशा याद रखते हैं, दे कीप दैट इन माइंड। उसके 15-20 दिन बाद आप कांकरिया तालाब पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठे हैं, तभी आपका भतीजा निकलेगा, इससे अच्छी तो वो कल वाली थी, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो निकल जाएगा, 4 दिन तक अपने को मनाना पड़ेगा बाबूश होना करके।